डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.7 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो क्लास 12 के लिए जो एक्सरसाइज 7.7 में जो हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ा था, थ्योरी के रूप में कुछ फार्मूले को भी पढ़ा था, चलिए उन फार्मूले को कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, उस यूज कैसे करना है, इसको चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस को लेते हैं एक्सरसाइज 7.7 में। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखा रहे दोस्तों, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको dx अपने तरफ से लगा देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ना हम लोग यहां पे फार्मूले पे देख लो, सबसे पहले सवाल कुछ भी रहे, ध्यान से सुनना भाई, सवाल कुछ भी रहे इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है वो यही है कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन हमें करने चाहिए और साथ साथ रूट में होना चाहिए, ये तो पक्की पक्की बात हुई, रूट में रहना चाहिए और रूट अंडर के अंदर में, रूट अंडर के अंदर में ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, अगर नहीं है आप उसको बना लीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोले हम क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे रूट के अंदर में, हमको करना क्या है उसको ए स्क्वायर के फॉर्म में या एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, चाहे वो प्लस में रहे या फिर माइनस में रहे। दोस्त ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब कांस्टेंट, यहां रूट ओवर था, रूट ओवर चढ़ाए, 4 जो होता है ना कितना का स्क्वायर होता है भाई, तो 2 का स्क्वायर, तो इसको 2 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपने फार्मूला तो सीखा, किस फार्मूले पे आएगा जरा आपको ये सोचना होगा। तो रूट अंडर के अंदर पहले कॉन्स्टेंट है, यानी कि पहले ए स्क्वायर और बाद में एक्स स्क्वायर, तो आपको याद आना चाहिए कि रूट अंडर के अंदर ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर हो तो क्या क्या करेंगे। तो रूट अंडर के अंदर अगर दोस्त ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स बाय टू, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, यही होता है ना फॉर्मूला, साइन इनवर्स ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय सी प्लस एक्स बाय ए प्लस सी। अब आप देख लो यहां पे हियर ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे तो 2 है, एक्स की जगह पे क्या है, तो एक्स की जगह पे ऑलरेडी एक्स है, तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपल फॉर्म में आंसर कर देंगे एक्स बाय टू, क्यों एक्स बाय टू, हाँ बिल्कुल एक्स बाय टू, तो यहां कितना होगा, एकदम नीचे वाला तो फिक्स है ना भाई कि एक्स बाय टू ही होने वाला है, नीचे वाला हमेशा टू फिक्स रहेगा, ऊपर एक्स है तो यहां एक्स और नीचे ये वाला 2 नहीं लिखा जाए, वो फार्मूला में ही 2 होता है, ध्यान देना 2, फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, अब की बार यूज करना है ए का स्क्वायर, तो यहां 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और बट्टा में 2 ही यूज करना है चाहे कुछ भी हो, नीचे 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स के जगह पे तो ऑलरेडी एक्स है और ए के जगह पे 2 है, तो हम लोगों को ये आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे फॉर्म में करें तो एक्स बाय टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 साइन इनवर्स इसको भी 2 सॉरी एक्स बाय टू है ना, तो एक्स बाय टू ही रहने दिया साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोगों का पहला का ये आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोला जा रहा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस 4x का स्क्वायर,
यहाँ पे सवाल है रूट अंडर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आप करना रूट अंडर इंटीग्रेशन रूट अंडर वन को तो लिख सकता ना भाई, वन का स्क्वायर माइनस, अब इसको हमेशा होल स्क्वायर में बनाना है, तो यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर है तो फोर एक्स स्क्वायर कितना का होल स्क्वायर होगा, तो टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां से पता चल गया आपको कि a का वैल्यू कितना है भाई, वन, x की जगह पे क्या है 2x, तो फार्मूला आप अपना लो, कौन सा फार्मूला चलेगा, तो यही ना चलेगा क्योंकि पहले तो कांस्टेंट है, पहले ए स्क्वायर आया है तो पहले ए स्क्वायर वाला फार्मूला माइनस और एक्स स्क्वायर, एक्स बाय टू करना है, एक्स बाय टू करना है का मतलब 2x, x की जगह पे तो 2x है और बट्टा में 2 एकदम फिक्स, फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए भाई, तो x के जगह पे क्या है 2x और बट्टा में 1 प्लस में c। लेकिन दोस्त जो इंटीग्रेशन करके आया अभी हम लोगों को, ये आंसर गलत है, इसलिए गलत है कि x का वैल्यू आपने क्या यूज किया है 2x, तो x के जो बगल में रहता है ना, इस पूरा जो इंटीग्रेशन करके आया आपको, ये पूरा जो इंटीग्रेशन आया, इस पूरे इंटीग्रेशन में हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि x का कोफिशियंट क्या है, x के बगल में क्या है 2x, x के जगह पे 2x है, होना चाहिए x लेकिन आप क्या रख रहे हैं 2x, इसलिए x के जो गुणांक होगा उस पूरे इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जरा ऊपर में जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे क्या बन रहा है x ऊपर बचेगा, तो इसको बारी बारी से 2, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, क्योंकि पूरा जो इंटीग्रेशन आता है ना उसमें डिवाइड करते हैं, तो पूरा इंटीग्रेशन तो आपका ये बना, इसमें अब 2 से डिवाइड करना है, तो यहां होगा एक्स बाय टू रूट अंडर वन का स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस, अब वन बाय टू में टू से डिवाइड करेंगे तो टू नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट वन बाय फोर और साइन इनवर्स टू एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखना है कि अगर यहां पे जितना एक्स रहेगा, अगर फाइव एक्स रहेगा तो फाइव से डिवाइड करेंगे दोनों में, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है और थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। इस बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इंटू डी एक्स। अब लफड़ा यहां हो जाता है दोस्तों जब रूट के अंदर कोई द्विघात समीकरण हो जाए, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, तब हमें लफड़ा हो जाता है कि आखिर उस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इस केस में, इस कंडीशन में हम लोगों को प्रयास यही करना है कि क्यों ना वो द्विघात समीकरण, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाए। समझ रहे हैं आप चीजों को ना, यानी कि मेरा ये इच्छा है कि क्यों ना ये द्विघात समीकरण को ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में तोड़ लिया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान से सुन लो आप कि अगर कहीं भी द्विघात समीकरण हो, अगर उस द्विघात समीकरण को ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में तोड़ना हो तो मेरे पास एक फंडा है, फार्मूला है, वो फार्मूला काम करता है उसको ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में तोड़ने का। चलिए देखते हैं कि रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे तो ए का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर वाला वन और एक्स वाला हो जाता है बी का वैल्यू फोर और सी का वैल्यू छ, ये आप टेंथ क्लास में पढ़े होंगे। अब अगर ऐसा फार्मूला होता है, अगर द्विघात समीकरण होता है तो एक फार्मूला होता है a को बाहर कर लीजिए x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस
सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। इस तरीके के दोस्त एक फार्मूला होता है। चलिए अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो a का वैल्यू कितना है 1, तो यहां 1 रख देंगे, रूट अंडर ब्रैकेट, फिर x है तो x, b कितना है 4 बाई 2a, तो a के जगह पे 2 रखेंगे का होल स्क्वायर प्लस c बाई a यानी कि 6 बाई 1 माइनस b स्क्वायर करना है, तो b का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बटा 4a स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 को गुना कर दिए, डायरेक्ट चल रहे हैं। अब आप देखिए तो यहां 2 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, तो एक्चुअली 1 से हम किसी को भी गुना करते हैं तो वही नंबर रहता है, तो 1 हमारे लिए कोई वैल्यू का बात नहीं है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से आप इसको गुना कीजिएगा तो वही रहेगा और प्लस इसको 1 से कीजिएगा तो वही रहेगा। खैर 6 में से 4 गया तो बन गया 2। अब आप देखिए तो ये हम लोगों को बन गया कि नहीं ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, कैसे भाई, तो देख लो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 किसका स्क्वायर होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी द्विघात समीकरण को, ध्यान से सुन लो, किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के रूप में, यानी कि अब इतना की जगह पे रूट के जो अंदर द्विघात समीकरण था उसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं, तो अब हम लोग उसके नीचे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, तो अगेन, अगेन का मतलब दोबारा से, जब दोबारा से इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखाएगा, ये लिखाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि x के जगह पे क्या है यहां पे, अब इसको मिटा देते हैं, ये हमेशा यूज करना है भाई, देख लो x के जगह पे क्या है, हियर x के जगह पे है हम लोगों का x प्लस 2 और a के जगह पे है हम लोगों का रूट 2। सबसे पहले इधर फार्मूला देख लो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे, या फिर या करके अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो दोनों का फार्मूला एक ही होता है दोस्तों, क्योंकि आप समझो 3 प्लस 4 को जोड़ो चाहे 4 प्लस 3 को जोड़ो, बात तो बराबर आ रहा है ना, ध्यान से समझियो। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रहे या फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहे, दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। यहां पे जो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है, पहले एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग फिर मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम लोगों को फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी यहां पे एक मिस्टेक हुआ है, प्लस जो होता है ना यहां पे प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग होता है, ए स्क्वायर बाई टू लॉग और x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना फॉर्मूला होता है, सब साथ होता है ऐसे, ठीक है, पहले इसको फिर प्लस में करके इसको लिखा जाता है। आप देख लो सबसे पहले ना फार्मूला लगा लो, फार्मूला सबसे पहले यूज करना सीखेंगे, एक्स है ना ऊपर, तो यहां एक्स की जगह पे क्या है एक्स प्लस टू और बट्टा में कितना टू, एक्स बाय टू हो गया, रूट अंडर, रूट अंडर लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, तो रूट टू है ना ए, ए का वैल्यू तो रूट टू है, अब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 यानी कि 2 बटा में 2 कितना, तो लॉग मॉड एक्स, एक्स लिखना है तो एक्स के जगह पे यहां पे क्या है एक्स प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे,
डीएक्स सॉरी मोड प्लस सी। लेकिन दोस्तों यहां के बाद रुकना है और फिर आपको देखना है कि आखिर जो हम लोगों को एक्स लिखे हैं वहां एक्स का गुणांक क्या है। तो आप देख लो यहां एक्स का जगह पे जो हम लोग लिखे हैं ना एक्स प्लस टू, तो एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो वन माना जाता है। इसलिए पूरा इंटीग्रेशन को क्या करोगे आप वन से डिवाइड करोगे। तो वन से डिवाइड करो या न करो बात तो बराबर है। इसलिए दोस्तों इसका मेन आंसर हुआ x प्लस टू बाय टू रूट अंडर, इसको जो हम लोग द्विघात समीकरण से इसको ना स्क्वायर के रूप में तोड़े हैं फिर इसको उसी रूप में चेंज कर दीजिए तो आएगा x स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। और प्लस टू से टू कट गया तो यहां हो जाएगा वन, यानी कि log mod x प्लस टू प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स का मॉड प्लस सी। अगर दोस्तों ये तो हम लोगों का फाइनल आंसर हुआ, अगर हम लोगों को ना अगर एक्स के जगह पे आएगा थ्री माइनस एक्स और ए के जगह पर आएगा फोर, तब फार्मूला पहले रख लेना है। जैसे फार्मूला एक्स जहां है वहां थ्री माइनस एक्स रखिएगा। सब कुछ रखने के बाद एक्स का गुणांक यहां कौन सी है, तो एक्स का गुणांक इस केस में ना माइनस वन है। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, एक्स के गुणांक क्या है माइनस एक्स माइनस वन, एक्स के गुणांक माइनस वन है इसलिए हम माइनस वन में इसके नीचे भी भाग करेंगे इसके नीचे भी भाग करेंगे। अगर मान लिया ऐसे रहता टू एक्स प्लस फोर चाहे टू एक्स माइनस फोर, तो एक्स का गुणांक यानी एक्स के पहले वाला देखना है टू से भाग करते हैं, समझना रहा है। एक्स के जगह पे अगर 5x रहेगा तो इस बार हम 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्त कि x के जगह पे चाहे कुछ भी आए हमको x का गुणांक अंत में देखना है फॉर्मूला लगाने के बाद। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, अब दिखाते हैं। तीन को क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, चौथा भी उसी तरीके से है, पांचवा छठा सातवां तो आप आठवां भी उसी तरीके से है, लेकिन सात तक के आपको ट्राई करना है आज के वक्स में और आगे आठ नौ क्वेश्चन को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।